आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदम्बरम के घर पहुंची सीबीआई टीम। नोटिस के बाद भी सामने नहीं आए चिदम्बरम। सुप्रीम कोर्ट का मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार। आज हो सकती है सुनवाई। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों में और ढील के बाद हालात सामान्य। प्राथमिक स्कूलों में बेहतर उपस्थिति के बाद आज से खुल रहे हैं माध्यमिक स्कूल। ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सुविधा बहाल। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश की कार्यप्रणाली तय करने के लिए समिति गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर भारतीय रुख का किया समर्थन। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसा के मुद्दे पर बोरिस जॉनसन ने जताया खेद। उच्चायोग उसके कर्मचारियों और विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को बताया आंतरिक मामला। तीन बाल्टिक देशों की यात्रा के अंतिम चरण में एस्टोनिया पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का शानदार स्वागत। एस्टोनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगी चर्चा। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित करने के अलावा भारतीय समुदाय से भी मुलाकात का कार्यक्रम। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल आज से अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे एचएस प्रणय और बी साई प्रणीत। प्रणय ने 5 बार के विश्व चैंपियन चीन के लिन डेन को हराकर तीसरे दौर में बनाई जगह।